मैंने बचपन में गणित पढ़ा है, अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता वो आप में से भी कई जानते होंगे। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था, तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए, या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा। हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना, सब्स्ट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा। अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा, तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा, चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बार बार वो ये सवाल हल करेगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा, चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की। क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट 2 ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया।